मैं आप पत्रकार मित्रों का स्वागत करता हूं और मैं अपनी बात एज अ भारतीय कंपनी की तरफ से रखता हूं। आरपीजेड ज्वेलर्स एक भारतीय कंपनी है, गुजरात से, अहमदाबाद से, आरपीजेड ज्वेलर्स लिमिटेड, और मैं उसका एज अ सीएमडी राजेंद्र कुमार कांतिलाल जवेरी, मेरा सन जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर हरित राजेंद्र कुमार जवेरी एंड सीएफओ हर्षवर्धन भरद्वाज, जो हम लोग एक टीम लेकर काम कर रहे हैं। हमारे को यह स्टेज पर लाने के लिए मैं अरिहंत कैपिटल कंपनी का भी स्वागत करता हूं। बहुत अच्छी बात है। कंपनी की शुरुआत वैसे देखो, ये कंपनी हमारी जनरेशन टू जनरेशन है, ये हमारा फोर्थ फिफ्थ जनरेशन जो हमारा काम कर रहा है यहाँ, और हम लोग बिलोंग्स करते हैं नॉर्थ गुजरात पाटन से। मैंने बीकॉम कंप्लीट करके मैंने मेरी फैमिली कंपनी में मैंने 10 साल एक्सपीरियंस किया, ट्रेनिंग ली, उसके बाद 1992 में अहमदाबाद में आया, मैंने मेरी जड़ाऊ कंपनी से स्टार्ट किया जो मेरा होलसेल काम था, और उसमें हमें जड़ाऊ में उस टाइम जो गवर्नमेंट का कुछ लॉस था जिसके लिए हमें काफ़ी दिक्कतें उठानी पड़ी थी, वो हमने उसका एकदम रेगुलेटरी हमने उसको ओबे किया और उसको हमने उसमें हमने काफ़ी अच्छा मार्केट सर्च किया। 1992 में ये जो हुआ उसके लिए हमारे को बहुत ही बड़ा चढ़ाव आना पड़ा उसमें, लेकिन एक्चुअल में ऐसा था, दृढ़ मनोबल था, दृढ़ मनोबल में बहुत कुछ करने की हिम्मत भी थी, लेकिन एथिक्स को हमने कोई भी जगह पर हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, और एथिक्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है तो उसमें टाइम लगना ही है, वो हमें मंजूर था कि एथिक्स को हमें कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। हमारा 2004 में कंपनी रोल आउट बहुत अच्छी चल रही थी, 2004 तक हमने फैमिली ज्वेलर्स काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा था। 2004 में हमारा फैमिली सेपरेशन हुआ तो हम लोग 1-5 हुआ, मार्केट बहुत ही अच्छा हो रहा था, बहुत ही मतलब पूरा इंडिया हमारा कंट्रोल में था जो ज्वेलर्स थे सारे भी। उसके बाद उसी चीज़ को लेकर हमने यूएई में भी अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, वो भी बहुत ही अच्छा चल रहा था, लेकिन 2004 में फैमिली सेपरेशन हुआ, 1/5 हो गया, और उसकी परिस्थिति आप समझते हो। जो भी हुआ, जो भी होता है वो फॉर्चुनेटली अच्छा ही होता है, मैं ऐसा समझता हूँ। मेरा वो मैंने आज फिर से भी मैं आपको बता रहा हूँ कि वो मेरा दृढ़ मनोबल था कि उसमें मैंने जो भी पोजीशन आई मैंने उसको हैंडल किया। 2004 में मैंने अपनी जो पुरानी कंपनी थी वो मैंने ऐसे दे दी, मैंने अपना नया नाम आरपीजेड शुरू किया 2004 में, वो प्रोपराइटर सोल प्रोपराइटर फर्म से शुरू किया, पर मेरे पास जो भी था वो मेरी हिम्मत थी, हिम्मत मेरा दृढ़ मनोबल बहुत ही था, मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं इस कंपनी को एक एक लेवल पर ले जाऊंगा, और साथ में जैसे एक अपना दृढ़ मनोबल होता है तो कुदरत अपने को साथ देता है। तो 2007 में मेरा सन आया, हमने कुछ कुछ प्लानिंग किया, बहुत ही अच्छा, हम लोग बैठे थे दोनों फादर से, हमें बहुत अच्छा मिल रहा है, तो हमने काफ़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग किया। हमने 2008 में इमीडिएट प्राइवेट लिमिटेड हमने डिसाइड कर दिया कि हमें प्राइवेट लिमिटेड करना है, हमने कर भी दिया 2008 में। हमारा जो मेरे पास जो पिछला बैकलॉग था, जो भी मेरे कॉन्टेक्ट थे, वो कॉन्टेक्ट तो हरित में खुद जाके हमने मार्केट में जाके फिर वही रफ्तार शुरू की, नई घोड़ी नवी राह हमने शुरू किया। तो 2008 में हमें काफ़ी डिटेल्स, हमारे जो पुराने जो कस्टमर थे उनका बहुत अच्छा सपोर्ट मिला हमको, हमको जो एक्सपेक्टेशन था उससे काफ़ी आगे हमें वो हमें सपोर्ट में ले गए। 2009 में हमने डिजाइनर्स अपॉइंट किए, और डिजाइनर भी कोई ऐसे वैसे नहीं थे, हमने भारत की जो श्रेष्ठ कंपनी है निप्स के स्टूडेंट को हम लाए,
और उन्होंने हमारा जो कंसेप्ट जो था कि एक हद पे हमें जाना है, एक लिमिट पे हमें जाना है, तो उन्होंने उससे भी आगे हमको ले गए और निप्स के डिजाइनर से हमने जो कॉन्फिडेंस बना, वो कॉन्फिडेंस हमारा हमने 2009 टू 2015 तक हमने अनबिलीवेबल बिजनेस किया, जिसकी कोई हमें एक्सपेक्टेशन नहीं थी इतना अच्छा बिजनेस मिला हमको। 2015 के बाद हमने 2016 में हमने फैक्ट्री स्टार्ट किया, क्योंकि इतना अच्छा बिजनेस है तो मैं एक बार फैक्ट्री में एंटर होना चाहिए। फैक्ट्री करने से हमारा हाथ में कंट्रोल आया कि हमें जो भी प्रोडक्शन चाहिए हमारे पास है। हम जॉब पर कराते थे, जॉब पर होता था, सब सारा कंट्रोल में था, लेकिन आज कोई भी कॉरपोरेट को काम चाहिए हमें, तो कॉरपोरेट के लिए उनको कॉन्फिडेंस है कि आपकी खुद की फैक्ट्री चाहिए, आपका इन हाउस सारा यूनिट चाहिए। तो हमने वो 16 में किया और फॉर्चुनेटली 17 में हमको टाइटान ने हमको सपोर्ट किया। और आप जानते हो कि उनके तो स्टोर्स उस टाइम में साल में 25-50 स्टोर बढ़ रहे थे, तो और हमारी पास एक ही स्ट्रेंथ थी कि एक हमारी ऑनेस्टी थी। टाइटान को चाहिए ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी चाहिए, उनको कला भी चाहिए, उनको डिजाइन भी चाहिए, उसके अंदर काफी चीज, वो जैसे एक सोने में से कुंदन बनता है तो कितना उसमें अंदर एडिशन चाहिए। सोना भी 24 कैरेट होता है, कुंदन भी 24 कैरेट होता है, लेकिन उसमें जो एडिशन चाहिए वो सारा एडिशन उन्होंने हमारे पास मांगा और हमने उसको प्रोवाइड किया। कंपनी ने हमको बहुत काम दिया, बहुत मतलब हमारी कैपेसिटी से ऊपर दिया हमने। अब हमारे पास 2000 हमने इमीडिएट 150 वर्कर्स को बिठा दिया आर्टिसन को, और वो लोगों ने भी ऐसे काम किया, लेकिन ऑर्डर हमारे पास इसी टाइम जैसे भी तनिष्क आया उसी टाइम मालाबार आया, जॉयल उपास आया, और भी काफ़ी कंपनी आ गई। फैमिली ज्वेलर्स जो थे कुछ छूट गए थे, जैसे आज 1920 स्टेट्स के अंदर 72 सिटीज में जो लीडिंग ज्वेलर्स थे वो लोग हमारे पास काम करते। तो हरित ने मेहनत करके टेक्नोलॉजी डेवलप की, और जगह तो इतनी थी जो मेरे पास 25,000-24,000 स्क्वायर फुट की हुई थी, तो टेक्नोलॉजी डेवलप की और जो प्रोडक्शन चाहिए था उससे टेक्नोलॉजी की वजह से हमने डबल प्रोडक्शन लिया, और वो हमने जो डिमांड थी उसको हमने कंप्लीट प्रोवाइड कर दिया। अब बीच बीच में ऐसा होता था कि 2014 में हमने सोचा कि हमें रिटेल में आना चाहिए, क्योंकि हमारे काफ़ी वेल विशर सोचते थे कि आप इतना होलसेल कर रहे हो, आप इतना काम है और आपको रिटेल में आना चाहिए। हमने 2014 में एक छोटा सा स्टोर बनाया 1000 स्क्वायर फुट का। हम कोई भी काम करते थे तो एक छोटा सा मॉड्यूल लेके करते थे, हम डिसीजन लेते थे कि हमें ये 10,000 स्क्वायर फुट का करना है, पर हमारा जो भी ट्रेनिंग होती है वो छोटे लेवल पर होती है। तो हमने वो 1000 स्क्वायर फुट का शोरूम बनाया, ग्रेस ऑफ गॉड शोरूम बहुत अच्छा चलने लगा, लोगों की डिमांड बढ़ गई, मार्केट में डिजाइनिंग भी बहुत अप्रूव हो गई। इमीडिएट 2019 में हमने 11,000 स्क्वायर फुट का शोरूम ट्रांसफर किया उसमें, और उसके बाद 2023 है, मैं बता दूं आपको कि हरित ज्वेलरी 135 करोड़ का बिजनेस कर रही है, जो आज 2014 से लेकर 2023 तक 9 साल के अंदर उन्होंने जो एक्सपांसन किया, और वो भी ये जो 11,000 का जो स्टोर है उसको तो बनाया हमें 4 साल हुआ। तो ये हमारी ऑनेस्टी है। कंपनी का थॉट ऐसा है, मैं आपको एक बता दूँ कि हम लोग कोई जगह पर आज शायद मैं बता दूँ कि मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ ऑनली द शोरूम, लेकिन ऐसे कोई शोरूम कोई ऐसे स्टोर हो गए जिसकी कंपेरिजन मैं आपके साथ करता हूँ कि नो डिस्काउंट। ज्वेलरी के अंदर आप जाओ 25-30% तो आपको ऐसे दे देते और आप पहचान लेके जाओ तो और 5-10% दे देते हैं, पर मेरे स्टोर के अंदर वो हमने जो एथिकल जो रेट होना चाहिए, जो हम आज आप आए और हमने आपको जो आप किसी की भी एकदम क्लोज की सजेशन से लेके आओ तो जो डिस्काउंट दे दो, वो मैंने आज मेरे साथ 15 साल पुराना जो मेरा कस्टमर है उसको और आज जो नया कस्टमर आया था उसको हमने एक ही दिया। पोजिशन ऐसी बड़ी कि जब हमने ये डिसीजन लिया तो शुरुआत में
ऐसा बना के हमारे 100 में से 80 कस्टमर रिटर्न होने लगे कि डिस्काउंट तो होना चाहिए, डिस्काउंट पे कोई काम नहीं चलेगा। तो हमने लगा कि मैडम हमारे लिए एक सामान्य आदमी जो हमारे हमारे लिए वो कस्टमर है, वो हमारे लिए भगवान बराबर है। वो हमारा खुद का ये नियम था कि हमें ऑनेस्टी से काम करना है। सिचुएशन ये हो गई 2022 से पूरा रिटर्न रिवर्स हो गया। आज 98% कस्टमर कन्वर्ट होते हैं, जो जो हमने सोचा नहीं था कि ऐसी पोजीशन आएगी। लेकिन और वो एक दूसरे को बोलते हैं कि भाई तू जा यहाँ, तेरे को जो मिलेगा वो सही मिलेगा, कोई बार्गेनिंग नहीं है। और कभी तो ऐसे होते हैं कि जिनको पसंद करना है फादर को उसमें इन्वॉल्व नहीं करते, वो लोग फादर को बोलते भाई तू जा हरित जेवर में से माल ले ले, वहाँ मेरे आने का कोई मतलब नहीं, वो तेरे को कभी भी चीट नहीं करेंगे। और ये चीट हमारी पूरी डिटेल में होगी। हमारा सोने के अंदर हमने एक 5 पैसे का भी हमने डिफरेंट नहीं रखा कि भाई जो भी वेट लिखा है दिल से लिखा है, उसके ऊपर रिटर्न भी आ जाए तो हम कुछ नहीं डिक्लेयर करते हैं। जो लेबर गई लेबर गैजेट को पैसा दे, पैसा नो एक्सचेंज। वो बोले कि कोई शोरूम पर बोलते आप एक्सचेंज कर लो, नो एक्सचेंज। आज ग्रेस ऑफ गॉड स्टोर बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है। और साथ में हमारा जो होलसेल है वो भी ऐसा ही हो रहा है, उसमें भी हमारा कोई किंतु बनने वाला काम नहीं होता है। तो इन सब चीज़ों को लेके हमें आज भी मेरे पास काफ़ी ऑर्डर्स हैं। हमने सोचा कि भी ऑर्डर्स को कैसे प्रोवाइड करें, तो हमने सोचा 2022 में मैं और हरित बैठे, दिसंबर महीने में बैठे थे, हमने सोचा कि हमें कुछ पब्लिक से फंड लेना चाहिए। हमने पहले सोचा कि इक्विटी से ले, इससे ले, इससे ले, किससे ले, ऐसे करें, आइडिया नहीं था इन सब चीज़ों का, क्योंकि हम पूरे हमारा कोई इधर उधर का काम नहीं था। खाली सुबह जाओ ऑफिस में, रात को घर पे आओ, और कोई वो नहीं थी। हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब ने हमें हरियन साहब की मुलाकात कराई और अशोक जी से मिले हम, उन्होंने हमको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस दिया कि आप बताओ आपकी कंपनी जो है। फिर तो सारे बुक्स ये वो सब छीन मिन करते हैं वो भी, क्योंकि उनको भी लेके आना है पब्लिक के साथ, तो उनका भरोसा पहले होना चाहिए, बाद में वो है, तो उन्होंने वो भरोसा आपको दिलाया। और जेन्युइन उनको लगा हमारा इंटरनल ऑडिट जो देखा उन्होंने, जो हमारे पास जो आज देखो एक इन्वेस्टर क्यों इन्वेस्ट करता है पैसा, तो उसको वो नहीं कि कंपनी क्या, कंपनी के पास मेरा पैसा सेफ है कि नहीं, मैं जो भी इन्वेस्ट करता हूँ उसका मुझे रिटर्न मिलेगा कि नहीं, पहले तो सेफ दूसरा रिटर्न चाहिए। तो हमको लगा कि ये जो कंपनी की सिक्योरिटी है, जो जो सिस्टम है, सिस्टम हमें ऐसे हमने उनको समझाया पूरा सिस्टम, उनको सेटिस्फाइड हुआ ना। कोई कभी कंपनी में से कोई ऐसे थेफ्ट सॉफ्ट लिफ्टिंग का कोई चांस नहीं होता है, ना थेफ्ट का होता है, ऐसा चीज़ होता है। तो उन चीज़ों से उनको भी बहुत अच्छा भरोसा आया। और इस चीज़ को भी मैं आपको इसके लिए बता रहा हूँ कि ये सब चीज़ हुआ, कंपनी का जो बिजनेस हाउस है, जो RBZ है, वो करीब हमने 23-24 हज़ार स्क्वायर फुट का बनाया। कंपनी की एक स्ट्रेंथ ये है, मैं आपको बताऊं कि कंपनी के पास 30-35 एज की जो भी एम्प्लॉय है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी ऑनेस्ट है और ओबीडियंट है। उनका मैं जो भी बताऊँ वो चीज़, तभी एक कंपनी आगे आती है, कोई अकेले प्रमोटर से कुछ नहीं होता है। कोई भी चीज़ कभी कंपनी बनती है तो उसका बहुत बड़ा, उसमें उनका कर्मचारी का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। और मैं जेन्युइन बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि बोलने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन उनका बहुत ही बड़ा हिस्सा है और उन्होंने हमको बहुत ही सपोर्ट किया है। हमारी कंपनी की मेन जो चीज़ है वो बताऊँ तो हमारा 4 पिलर है। हमारी स्ट्रेंथ है हमारी डिज़ाइन इतनी अपडेटेड रहती है कि हमारे जो डिज़ाइनर है वो साल में 2-3 बार ऑल ओवर इंडिया और बाहर भी भ्रमण करते हैं कि कौन सा कंसेप्ट लेना है। तो कंसेप्ट कहाँ से लेते हैं, छोटी सी बात है, मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, पर जैसे कि जैसे कि
डिजाइनिंग है तो हर एक डिजाइन वाइज टेम्पल होता है तो टेम्पल का कलेक्शन लेते हैं, हर एक ऐसे ऐसा होता है। तो इन सब चीज़ों को ये डिजाइन है, प्रोडक्शन है, रिटेल है, होलसेल है, ये सब चीज़ों को लेके हमारा काम रहता है। तो बस आपको हम भरोसा देते हैं कि कंपनी की सिचुएशन है, आप डॉट टू डॉट DRHP पेपर सब देखो और अपने श्रोताओं को और अपने व्यूअर को आप कंपनी के बारे में मैंने जो बताया वो आप बताओ उनको। थैंक यू वेरी मच।